दरभंगा नगर निगम में महापौर उपमहापौर एवं पार्षदों के कक्ष को रिनोवेशन किया जा रहा है। चुनाव होना है और जो प्रत्याशी चुनाव जीत कर आएंगे उनके लिए नगर निगम के द्वारा जो उपमहापौर उपमहापौर एवं पार्षदों का कक्ष है उसे सुसज्जित किया जा रहा है। इस संबंध में जब हमने नगर निगम के अभियंता से जानना चाहा कि ये क्या हो रहा है तो उन्होंने कहा कि जो प्रत्याशी जीत कर आएंगे नगर निगम उन्हें स्वागत करने के लिए एवं उन्हें नए कक्ष देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसी क्रम में इस कक्ष को रिनोवेट किया जा रहा है। इस संबंध में सहायक नगर अभियंता सऊद आलम ने क्या कहा, सुनिए दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। सर, दरभंगा नगर निगम में जो महापौर उपमहापौर और जो पार्षद के कक्ष हैं उसे रिनोवेशन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये बात सच है कि महापौर उपमहापौर और माननीय पार्षदों के सदस्य का कक्ष को थोड़ा जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ये दरभंगा नगर निगम काफ़ी दिन पुराना है जिसकी वजह से दीवारों में नोनी वगैरह आ जाने के कारण से आज से पूर्व 10-12 साल पहले इसकी पैनलिंग की गई थी जिसकी स्थिति थोड़ा ख़राब हो गई थी और इसके मनाने की बात बहुत दिनों से चल रही थी। तो माननीय महापौर और उपमहापौर लोगों का मतलब इलेक्शन होना है, नए लोग आएंगे तो नगरायुक्त महोदय ने कहा कि इसी बीच में इसकी मरम्मति करा दी जाए ताकि कुछ नगर निगम का मैसेज थोड़ा पब्लिक के बीच में अच्छी जाए, नहीं तो उन लोगों का इसीलिए इसको जीर्णोद्धार किया जा रहा है। काम चल रहा है और उम्मीद है कि हम लोग 30 तारीख तक इसको इसकी मरम्मति पूरी अच्छी तरह करवा दी जाएगी जिससे मतलब ऐसा लगेगा कि कक्ष इनका तैयार है।